आप गोश्त और बारबेक्यू वहीं भूल गए थे। तो पा। मुझे दे दो। ये लीजिए ये। मैं जानता था तुम आओगी। चले सब बैठे, चले चले। हाँ, बहुत भारी सामान है। चले चले जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। चलो चलो, कितना टाइम जाया करते हैं। यानी इसने ये सब जान के किया। क्या कुछ कहा तुमने? कुछ भी नहीं। पहुंचा दिया ना सामान, अब जाओ वापस। अरे अम्मी क्या कर रही है? हम चले जाएं दादी। हाँ हाँ जाओ। अम्मी बुरी बात है, रहने देना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है बच्चों, तुम लोग अपने काम पे वापस जा सकते हो। चलो जाओ, शाबाश जाओ। ठीक है। जलाल आप भी? हाँ बाबा जान, अब तो आ चुके हैं, कितनी बुरी बात है। हाँ शायद वापस चले जाना चाहिए ने। जाओ जाओ। तुमने कैसे ढूंढा हम लोगों को वैसे? वो आसान था। असल में यास्मीन का आइडिया था, ये सरप्राइज देना चाह रही थी, तो आयशा ने लोकेशन सेंड कर दी हमें, यानी यास्मीन को। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, इस फैमिली के सर पर हम कब से बैठे हुए हैं, कुछ देर इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप चले गए, हमने देखा बारबेक्यू का सामान वही रखा हुआ था, तो सोचा दे आते हैं। वरना ना आते। लेकिन लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ, चलो ना। चलो हा? चलते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। बाय बाय। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आओ बच्चों यहाँ बैठो साथ। लेकिन बाबा बारबेक्यू करने का दिल चाह रहा होगा उनका भी, उनको रोका तक नहीं। लेकिन अभी हमने बारबेक्यू बनाना शुरू भी नहीं किया, और दूसरी बात यह कि हम सिर्फ घर वाले हैं, सिर्फ फैमिली के लोग, फैमिली के। दादी का रवैया देखा था ना, कैसे भगाना चाह रही थी हमें। अब देखो जलाल अंकल ने कहा है ना, मुझे पता है कि उनका इरादा बदलने में देर बिल्कुल नहीं लगती। मुझे भी यही लगता है, वो हमें बुला लेंगे। बिल्कुल मेरी जान, वो नर्म दिल है। लेकिन अब तक उन्हें हमें आवाज दे देनी चाहिए थी ना? तो फिर वो लोग हमें क्यों नहीं बुला रहे? क्या कर सकते हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। यास्मीन, यहाँ से वापस जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समझ गए? फिर हम क्या करने वाले हैं, बताओ मुझे। वेल, हम क्या कर सकते हैं, खराब गाड़ी में घर थोड़ी ना जा सकते हैं। ये कह रहा हूँ कि गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी कब खराब हुई? कौन हो तुम भी? इंसान हो तुम? तो ढीले हाथ से क्यों मारती हो यार? अरे अरे, ये दुकान क्यों बंद है आज? आज के दिन सर्विस सिर्फ यास्मीन की एंटिक दुकान पे होगी। कहाँ गए हैं ये सब लोग आखिर? पर्दे भी नहीं खुले हुए। वाह,
वहीद कहाँ पर है आजकल? क्या नौकरी मिली उसे? नहीं, अब तक नहीं मिली। तो फिर किराया अदा कैसे करोगी तुम? 2 माह हो गए हैं, अब तक किराया नहीं दिया हमने। मालिक मकान कल भी चिल्ला रहा था। अल्लाह ऐसे लोगों का दिल नरम कर दे और अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को हल कर दे। जलाल साहब की दुकान बंद है, सब खैरियत तो है ना वैसे? आपके लगती है उनकी? हाँ, मेरे जानने वाले हैं वो, बस बहुत दिन हो गए तो मिलने चली आई मैं। वो सारे घर वाले आज पिकनिक पर गए, शाम तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अपना ख्याल रखना, तुम चलती। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मच्छर तो अबनी है। आश। वैसे मच्छरों से कम नहीं है ये, फिर से आ गए हैं। अरे क्या है भाई, अजीब है ये मच्छर, पीछे ही नहीं छोड़े मेरा। मच्छरों का पूरा खानदान हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अल्लाह पता नहीं क्या हो गया। हाँ शोभी, कितनी मजेदार बातें करते हो तुम ना। पता नहीं मेरा खून चूस रहे हैं, शायद इसलिए। मीठा होगा तभी चूस रहे। हम इसलिए वापस आ गए हैं कि वो हमारी गाड़ी एक्यूमुलेटर की वजह से खराब हो गई है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर तुम स्टार्ट करवा दो आके अपनी बूस्टर बैटरी के साथ। नहीं, तो हमारे पास कंट्रोल लीड नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, तो इसलिए बेकार है। तुम कह रहे हो काम नहीं होगा? नहीं। ओके, तो फिर अब क्या करना होगा? मरम्मत वाले को बुला लो। आ तो जाएगा, लेकिन उसे यहाँ आने में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा जलाल अंकल। तो फिर हम क्या करें? चलो ना, यहाँ से हम पैदल मेन रोड तक चलते हैं, हो सकता है वहाँ कोई मिल जाए। ठीक है, वो दूर तो है लेकिन। नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हारा वहाँ तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ बैठो यहाँ। फिर तुम शिकायत करती हो कि हम अकेले टाइम नहीं गुजारते। बस करो, कल रात हम अकेले ही थे ना, फिर क्या हुआ था? चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है फिर, परिहान आंटी कह रही है तो फिर इनकार कैसे करें। अब बस बेटा, क्या हो गया है? मच्छर वाला स्प्रे करो यहाँ, सब तुम्ही को काटने आ जाते हैं, क्यों? हो सकता है बाबा, मुझे लगता है कि शायद मच्छरों का ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता हो। बस हर वक्त फजूल की बातें करते हो, कभी कोई अकल की बात भी की है तुमने? अरे बस जलाल, कोई बात नहीं, बात मत बढ़ाओ, मत करो ये सब। एए, मैडम यास्मीन, बात सुनो, अगर तुम नहीं जा रही हो तो आयशा और तुम मिलकर काम करेंगे और मैं आराम करूँगी, क्योंकि मैं सब संभालते संभालते थक चुकी हूँ, समझ गए? आखिर मेरा भी हक है कि मैं आराम करूँ। तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो सुहेला? ठीक है, मैं और आयशा मिलके काम कर लेंगे सब। बिल्कुल, मैं आराम करूंगी। तो फिर एक काम करो, बारबेक्यू में आग तुम ही लगा लो। मजाक कैसा लगा? जानते हैं बैठे बिठाए एक्सपर्ट मिल गया आपको, तो मैं वाकई इस काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। कान खोल कर सुन ले, यहाँ कोई किसी का मुलाजिम नहीं है, सब अपना अपना काम खुद करेंगे। अच्छा सुहेला, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कितनी मजेदार मशरूम चुनी है, बारबेक्यू में भून लेना, इसे बहुत मजे की लगेंगे। मुझे दिखाए जरा, कहीं ये जहरीली ना हो। इन्हें बड़ा तजर्बा है जो मुझे समझाएंगी अब, जैसे बस यही जानती हैं कि मशरूम कैसे चुने जाते हैं। अरे अल्लाह ना करे, आपको नहीं पता जंगल में मिलने वाली सारी मशरूम खाने लायक नहीं होती सादत दादी। लड़की, मैं पिछले 40 सालों से इन्हें चुन रही हूँ, अब मुझे पता नहीं कि इनमें जहर है कि नहीं। मैं जब पुराने जमाने में ऐसी जगहों पे आती थी ना, तब से इन्हें चुन चुन के खाती हूँ, पता है मुझे किसमें जहर है किसमें नहीं। तुम बैठो, बैठ जाओ। अरे भाई भूख लग रही है, अब कुछ बना भी लें आप लोग। देखो मेरी पोती को भूख लगी, जल्दी से इसे पका के दो। क्या नोटरी की मंजूरी हासिल की गई है? तो इस सिलसिले में कोई कोशिश भी नहीं की गई है। अच्छा है, ठीक है वकील साहब, आप और आपकी लॉ फर्म गुलरेज आफ जी को जितना परेशान करेगी, आप मुझे उतना ही ज्यादा खुश करेंगे। शुक्रिया आपका। आप इतनी हिम्मत की तवक्को किससे करती हैं गुलरीस? बात सिर्फ आतिश के बारे में नहीं है, अब वो माजी पर सवाल उठाने लगी है और मुझे हर्ट करने के लिए स्टॉक्स को आगे रखने लगी है। गुलरीस इस बारे में सोच भी नहीं सकती, इसके पीछे कोई और है।
या फिर वो आदमी? इधर आओ। आज से मैं गुलरेज के हर कदम से आगाह रहना चाहता हूँ। ये काम तुम खुद करो या किसी और से करवाओ, मुझे परवाह नहीं। मैं उसकी हर चाल से आगाह रहना चाहता हूँ। जी ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। अगर आप कहें तो उस प्लान पे काम शुरू करें। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना आगे नहीं जाना है अभी। बस तीसरी आंख बन जाओ, यही काफी है। ओके सर। अगर तुम माँ और बेटा इकट्ठे हो जाओ फिर भी आसिफ जी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने इस नन्हे से दिमाग से हरा सकते हो? हाँ, तुमने ये सोचा भी कैसे? सुनिएगा, दो चाय ला दें प्लीज। दो चाय अभी लाया, थोड़ा सा भी। जी मेरा बिल ले आइएगा। बिल अभी लेकर आता हूँ। हाँ कैसे हैं अबीन साहब? मैं ठीक हूँ, खुशामद। वो मैं आतिश को ढूंढ रही थी मगर हाँ वो यास्मीन के साथ बाहर गया। कहाँ? पता नहीं, और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि इस किस्म के सवाल करूँ। थोड़ा जल्दी बिल ले आइए। जी बिल्कुल, बैठ। आपका बिल मैं अभी लेकर आता हूँ। चलिए यहाँ बैठ जाते हैं हम लोग। मैं आतिश को कॉल करती हूँ। ये लीजिए सर, आपका बिल। फोन बंद है उसका। ये शेयर्स का मसला है तो आतिश साहब के सिग्नेचर लाजमी चाहिए होंगे। कहने का मतलब इससे तूफान आ सकता है। क्या आप ये वाकई में करना चाहती हैं गुलरेज मैडम? जिंदगी में पहली बार कोई हतमी फैसला कर लिया है। एनीवे तो हम चलते हैं, आतिश को इस बारे में इन्फॉर्म करके बाद में उसके दस्तखत ले सकते हैं। जैसा आप कहें। क्या वो तुम्हारे पास टाइम है? यहाँ बहुत रश है, अगर मेरी मदद करते तो बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली आज मुझे बहुत अहम काम है। आई एम सो सॉरी। खुदा हाफिज। सलाम शुएब। शुएब शुएब नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मुझे भी दो चाय और दो कॉफी देनी है, एक कम चीनी वाली और एक मीडियम चीनी के साथ। नहीं मीडियम शुगर। यार मेरी मदद करो। कोई एतराज नहीं, ये हुई ना बात। चलो आ जाओ मेरी मदद करो। खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे किससे बचा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। Sense.
इस वक्त मौजूद नहीं है। फिक्र नहीं करे, मैं आज आपसे घर की बात करने नहीं आई। रिलैक्स। तो मुझे कॉफी ला दीजिए बगैर शुगर के। शुगर के? मीठा में मीठा। थैंक यू सो मच। मोहसिन साहब, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काफी अरसा हो गया। बाग होता था यहाँ पर सेब का, जब की बात है उस वक्त से काम कर रहा हूँ। तो फिर तो सब घरों के मालिक को जानते होंगे आप? बिल्कुल। ये जो कोने वाला लाल बंगला है वो किसका है? तारिक भाई का मकान नंबर 3 मंजिल 1 मंथ बाद बच्चे की पैदाइश है उनके यहाँ। पर वो मैं तंदूर की बराबर वाली का पूछ रही हूँ। नाज़िम साहब का घर है वहाँ पे और उनके किरायेदार एहसान भाई हैं। वल्ला कमाल कर दिया आपने। आपको तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था, बड़ी मालूमात है आपको। ज़्यादा खा लिया। तो एक काम करते हैं, चल के थोड़ा वॉक कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। बच्चों, मैं और तुम्हारी माँ वॉक करने जा रहे हैं, ठीक है? चलते हैं। ठीक है, चलो बाबा। अम्मी तो देखो कैसे सो रही है। खराब हो गया है शायद। अरे कोई बात नहीं यार, हम इधर अकेले बैठे हैं, तुम लोग इधर आ जाओ ना हमारे पास। हाँ आ भी जाओ, चलो साथ मिलकर स्पिन द बॉटल खेलते हैं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। स्पिन द बॉटल? स्पिन द बॉटल क्या है भाई? नहीं नहीं, मुझे बॉल मुझे दो। हम इस बॉटल को घुमाएंगे और जिसकी तरफ ये होगी सब उससे एक एक सवाल पूछेंगे। और याद रखें, सवाल के जवाब में ट्रूथ या डेयर में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप लोगों को सिर्फ सच बोलना है, झूठ नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? बड़े सीक्रेट है सबके? बताओ मुझे कौन कौन क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? इन सबको तो हम जानते हैं, ये हमसे क्या छुपा सकते हैं? शोभी, मैंने तुमसे नहीं पूछा, इनसे पूछा, इसलिए तुम चुप करो। सुहेलापा, हमारे पास कौन से सीक्रेट्स होंगे? हम सब एक ही घर में रहते रहे, कोई अजनबी थोड़ी एक दूसरे के लिए। आप क्या बात कर रही हैं आपा? मेरा मतलब आपसे क्या छुपा है? कुछ छुपा हो सकता है, सब जानती हैं आप तो। बाजी आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ये बच्चों वाला गेम क्यों खेल रहे हैं? वैसे भी तुम किसी का सीक्रेट जान के क्या करोगे? सही कहा, किसी का सीक्रेट जान के क्या करोगे? शोभी, तुम दो बार मदाखलत कर चुके हो, तुम्हें कोई मसला है? कहीं तुम भी तो कुछ नहीं छुपा रहे हो मुझसे? अफसोस सुहेला, टॉयलेट तक का तो पता होता है तुम्हें, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। ठीक है शोभी, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम इतनी साइड ले रहे हो इनकी कि मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना तुम मुझसे मिट्टू? नहीं, मैं तुमसे आखिर क्या छुपा सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था और अंदाजा यही था मेरा। तो फिर लंगूर, यहाँ पर सबसे निडर इंसान तुम ही हो, किसी चीज का खौफ नहीं तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि इस गेम में तुम बिल्कुल सच सच बताओगे। मैं क्यों डरूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से हर कोई एक जैसा सोचता है। अल्लाह अल्लाह, सब इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं? थोड़ी तो हिम्मत पैदा करो तुम लोग। अरे हिम्मत तो दूसरा नाम है मेरा, घुमाए इसे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब इतनी इज्जत कर रही है तो शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने आ गई, मैं पूछूंगी तुमसे, बताओ आप ट्रुथ या डेयर? डेयर, ट्रुथ, ट्रुथ। एक बार फिर सोच लो। क्या मुझे डेयर कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, हिम्मत करें, सच बोले। सही, पूछो। जिंदगी में है कोई तुम्हारे? हाँ है। कौन है वो? हाँ वो, इसकी जिंदगी में आखिर कौन हो सकती है? इसके तो सारे दोस्त भी इतने जंगली से हैं, सबके सामने बस डींग मार रहा है। क्या ऐसा है साले साहब? नहीं, वाकई कोई है। तो वो लड़की कौन है? आप उसे नहीं जानते भाई, मोहल्ले की एक लड़की है। तो बता क्यों नहीं देते? नहीं जानते तो जान जाएंगे। मतलब उसका कद 175 से 180 सेंटीमीटर है। हाँ? रंगत गोरी,
और फ्रांसीसी चेहरा। वाह वाह वाह, क्या पसंद है मेरे साले की है? और हाँ, उसके बाल छोटे हैं। फिर तो मेरी तरह ही होंगे ना, इतने छोटे ऐसे हा? नहीं, बॉब कट है, मतलब आपसे छोटे और मुझसे जरा लंबे हैं, बस यही। थोड़ी शर्म करो, घर वाले साथ ही बैठे, इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत है आखिर तुम्हें। चलो मान लिया सबने। मैंने तो नहीं माना, ऐसे कैसे मान जाओ, सब कुछ बताओ। तो साले साहब, मोहब्बत है या प्यार करते हो उससे? हाँ भाई, मतलब फीलिंग्स रखता हूँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम गुल। गुल? अरे भाई, मुझे ये बताओ कि सब इसकी जिंदगी में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, हमें क्या जरूरत पड़ी है? और वैसे भी ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता, सिर्फ एक सवाल करते हैं और एक ही जवाब आता है, और बस। तुम्हारे साथ क्या मसला है लड़की? हाँ, हुआ क्या है? तुम्हारी बारी भी जल्द आ जाएगी। उसकी बड़ी बहन हूँ मैं, इसीलिए उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ। तो तुम्हें मसला क्या है? मैं इसे घुमाऊंगी ना, तो तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर जवाब देना। मैं नहीं देना चाहती। तो भाई घुमा दूं? हाँ। मुझे बताएं कि ये मैजिक केक ऑर्डर किसने किया था, किसने? मुझे बताएं कि कहाँ पहुँचाना है, बताएं अमीन भाई। एड्रेस रखो। एड्रेस के लिए थैंक यू अमीन भाई, शुक्रिया। बोलो। गुलरेस, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। क्यों, आखिर हम क्या बात करेंगे? उस दिन सारी बातें कर तो ली थी साहिल पर। अभी बहुत कुछ तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है। मैंने उस दिन बात की, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहती अमीन, तुमने हमेशा सब कुछ खुद कहा और जल्दी। मैंने कुछ गलत कहा? तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं अमीन। क्योंकि मोहब्बत करने वाला शख्स कभी इस तरह अपने हुकूक के पीछे नहीं भागता। दिल में बुग्स नहीं रखता, तुम्हारी रूह नफरत से भरी हुई है, क्योंकि तुमने आज भी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मैं कैसा महसूस करती हूँ। लेकिन तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही है। सच कहा था, मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। क्या बात है मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ है? क्या सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम चाहती हो? मुझे इस तरह मत देखो गुलरेस, तुम ये जो कुछ कर रही हो इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। तुम और आतिश अब जो चाहो वो कर सकते हो। बिल्कुल, सिर्फ अभी के लिए। देखा आपने, अब सबने देखा ना, जब इनकी बारी आ गई तो उन्होंने सवाल करने को अवॉइड कर दिया। अरे मैंने कहाँ अवॉइड किया, तुम सब मेरे बारे में सब कुछ जानते तो हो। मेरी तो एक ही मोहब्बत है, मेरी जान मिठू। तो फिर स्पिन करें, देखते हैं किस पर रुकती है। तुम पर आई है ट्रुथ या डेयर, आतिश चूज करो। ट्रुथ सही रहेगा। फिर तो मैं पूछूंगी, बीवी से मोहब्बत है? ये क्यों पूछने वाली बात है? अच्छा, हमें कैसे यकीन आएगा, साबित करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सुहेला आपा, आप ठीक तो हैं, साबित करने से क्या मतलब है? मोहब्बत करते हैं कहा तो है मैंने। बिल्कुल। कदर नहीं, बोसा लो इसका। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? हद है, गेम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके। अरे सुहेला, तुम भी अजीब बातें करती हो। सब घर वाले हैं यहाँ। बाजी आयशा है यहाँ पर, अच्छी बात नहीं है। अरे तुम वही नहीं हो जो उस दिन मुझसे कह रहे थे कि बाजी हमारी शादी की उम्र निकली जा रही है, अब शर्म कहाँ से आ गई? वैसे भी ऐसी हरकतें सबके सामने नहीं की जाती, शर्म करो। हाँ मुझे भी एतराज है, अजीब सी हरकत, मुझ। अरे हाँ ना, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। मेरा मतलब क्या हम टीनेजर्स हैं? जो भी तुमने फिर से बोलना शुरू कर दिया, चुप नहीं रह सकते। शर्म करो सुहेला, माफ करना, मेरा मतलब है कितने शर्म की बात है। पहले मुझे बोसा लेने दो और फिर आतिश।
शोएब। हाँ तो क्या तुम चाहती हो कि सबके सामने तुम्हारा भोसा लूं? अड़बड़ करती रहती हो, कितनी अजीब सी बात है। बेशरम लोग ऐसे करते हैं, ना छोटों का एहतराम ना बड़ों की मोहब्बत, ये अच्छी बात थोड़ी है। बंद करो इसे, मैं नहीं खेल रहा। शोएब छोटों की मोहब्बत जो भी है। ओके बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बस ठीक है ना, बहुत हो गया। बाकी हम ये खेल खेलना बंद कर सकते हैं क्या? बहुत बोरिंग है। हाँ प्लीज, मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, मैं और ज्यादा नहीं खेलूंगी। अरे यार किस किस्म का गेम है ये? मैं भी थक गई हूँ इस गेम से, मुझे भी नहीं खेलना। आयशा चलो वॉक पे चले क्या? वजह? ऐसे ही थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। क्यों? लड़की मुझे वॉशरूम जाना है, अब चल भी लो मेरे साथ तुम। जाके गाड़ी चेक करो। अरे भाई मैं उसे चेक कर चुका हूँ, वो स्टार्ट नहीं हो रही। जब हम यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में मैकेनिक होंगे। दमीर थ्रो करो, इधर इधर इधर। मिच्चू क्या हम दोनों यही वाला गेम खेले? हाँ मैं नहीं खेलना चाहता, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सवारा कुत्ते के साथ खेलने कहीं दूर चला जाऊं। बताओ इन्हें तुम बेटा, इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। अच्छा जाऊं मैं जाऊं। आतिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लेकिन कहाँ? मैंने भागने का इरादा कर लिया है समझे, आ जाओ। आतिश रुक जाओ, वो लड़की अंदर है, रुक जाओ आतिश। हाँ ना वो अंदर है तभी तो हम भाग सकते हैं। आराम से आराम से। क्या तुम पहले आई हो यहाँ? अपने बचपन से आ रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा लेकिन तुमने वो जगह नहीं देखी होगी जो मैंने देखी है, आ जाओ। मुझे लगता है कि हम काफी हद तक पहुंच चुके हैं। समझ नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो आतिश, कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। उफ़ आयशा किस कदर मायूस कुल लड़की है तुम। आ जाओ चलो, कोई भी नहीं देखेगा हमें, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ के आराम से। इतने बेफिक्र कैसे रहते हो? तुम साथ हो ना इसलिए। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मैं अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाता हूँ। तुम मेरी दुनिया हिला के रख देती हो। मैं तुम्हारी दुनिया बनना चाहती हूँ। वो तो ऑलरेडी हो ना। मेरे लिए डिसाइड करना आसान नहीं होता, यानी डिसाइड नहीं कर सकता कि मोहब्बत कहाँ से शुरू करूं। इन खूबसूरत जुल्फों से, तुम्हारे गालों से, और या तुम्हारी खुशबू से जो मुझे मदहोश के देती है, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता हूं। वो देखो झूला आतिश, चलो चले। झूला कहां से आ टपका? आशा ये सब मोहल्ले के पार्क में भी हो सकता था। हद है। ख्याल से मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ, आराम से आना। आशा। हाँ कहो। रुको एक मिनट। अब क्यों रुकने का काम मुझे? आह जलाल अंकल और दमीर दोनों कहाँ हैं? आतिश कहाँ है? अरे यहीं कहीं होंगे, मुझे क्या पता। क्या क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब क्या कह रही? वैसे आशा एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, क्या रोमांस का ताल्लुक सिर्फ मर्दों से होता है? मैंने वहां बैठे तुमसे इजहार किया था, और अब तुम्हारी बारी, साथ में झूला भी झूला। चलो आ जाओ। ठीक है अब? ठीक है भाई, अरे थोड़ा रोमांटिकली झूला दो ना। ये बिल्कुल तुम्हारे बस की बात नहीं है आशा। अल्लाह अल्लाह देखो तो इसे जरा, पहले आकर मेरे झूले पर बैठ गए, ऊपर से मुझे कह रहा है कि मैं ही झूला झुलाऊं इसे, और मुसलसल बातें भी सुनो इसकी। पहली बात ये झूला ना तुम्हारा नहीं है, हमें ये यहाँ पर मिला है, और दूसरी बात ये तुम वाकई इसमें अच्छी नहीं हो बिल्कुल भी। चलो यहाँ। तो फिर मुझे झूला दो ताकि मैं सीख लूं। अरे बैठो तो सही, बैठो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया आयशा। एक रैली ड्राइवर से झूला झुलाने की फरमाइश की तुम। आतिश आराम से आतिश।
ये झूला टूट जाएगा यार। अगर टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरने दूंगा मैं तुम्हें। आदेश आराम से गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। रीच की आवाज लग रही है। वाह यार। ओह दमीर है। क्या कर रहे हो? लेटा हुआ हूँ। और तुम? कुछ भी नहीं। आयशा कहाँ है? पता नहीं, तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ हाँ, टॉयलेट में होगी फिर। और आतिश? वो कह रहा था कि कार चेक करने जा रहा है। बहुत ही तेज हो तुम आतिश। हाँ चलो उठो, फिर हम ही वॉक पर चलते हैं। चलो ठीक है। चलो चलो। तुमने वॉक का मशवरा दिया तो किस तरफ चलना है? तुम पहले उठ तो जाओ। हाँ ठीक है चलो। वैसे यास्मीन ये एक वीरान जगह है, मुझे लगता है कि शायद हम ठीक है। ये अच्छा है कि हम आंखों आंखों में बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि तुमने मुझे वहाँ बुरा भला कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। खैर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। हाँ तो यही करना चाहिए तुम्हें। गुल वाली कहानी तुम्हारी शानदार थी। सच में तुम्हें पसंद आई? वाकई अच्छी कहानी बनाई। हाँ, मुझसे तो तुम पूछा ही नहीं, क्योंकि तुमने जिस तरह से कहानी को घुमाया वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर तुम कह रही हो तो मैंने वाकई कहानी बहुत अच्छी बना ली, बस जो दिमाग में आया बोल दिया। खैर पता नहीं, तुमने अचानक से गुल के बारे में बात करना शुरू कर दी। यास्मीन मैं वाकई किसी गुल गुलाब फूल पत्ते को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इस गुले यास्मीन को जानता हूँ जो इस वक्त मेरे सामने है। तो तुम नहीं जानते कि जैस्मिन किस तरह का फूल है? कौन नहीं जानता। जानता हूँ, उसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ यास्मीन, मैं गुलाब जैस्मिन जैसे फूलों को नहीं जानता। मेरा फूल तो तुम हो और अब यह दमीर इस फूल की खुशबू। दमीर ये तो बताओ क्या सुहेला हमारे बारे में जानती है? यार उन्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हारी मेहरबानी से प्रोफेशनल झूठा बन गया। अल्लाह अल्लाह, क्या आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं दमीर साहब? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे रंग में रंगता जा रहा हूँ। दादी ने सारे मशरूम खा लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़े। हाँ। क्या हुआ? ये रो क्यों रही हो? बिस्मिल्लाह। अरे दादी क्या हुआ? दादी आप रो क्यों रही हैं? अम्मी क्या हो गया है? अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी कौन? अम्मी 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 आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आपकी अम्मी? अम्मी कहाँ हैं? वो अभी तो यहीं थी। आपकी अम्मी नहीं है? वो है, वो है, कैसे नहीं होगी, वो अभी आई थी। अम्मी मुझे तो लग रहा है ये अपने हवास में नहीं है। पर दादी लेकिन आपकी अम्मी तो फौत हो चुकी होंगी, आपकी अम्मी कैसे हो सकती हैं यहाँ? है, वो यहीं थी, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर यहीं साथ चल रहे थे। या अल्लाह सटला गई है दादी बुढ़िया। शर्म नहीं आती एक जवान जहाँ लड़की को इस तरह कूड़ा कहते हुए? नहीं कह सकता, नहीं कह सकते। अच्छा क्या हो गया इन्हें? अम्मी 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 कहाँ आया? आया आया, कोई कोई बात नहीं। तुम्हारा हाथ पकड़कर कितने अरसे बाद घूम रहा हूँ, अब से हम अक्सर वॉक किया करेंगे, सही? मैं भी तस्लीम करती हूँ, मुझे भी बहुत याद आता है वो वक्त, अब तो हम दो अजनबी बन गए हैं जैसे। लेकिन सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस तरह से हाथ पकड़ने की बात कर रहा हूँ, इस तरह से। मैं तुम्हारी आंखों में खो जाने की बात कर रहा हूँ, कहीं रुक कर इस तरह से बात करने की बात कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पहले दिन की तरह देख रहे हो, बस करो, शर्म आ रही है। तो इसमें गलत क्या है? मैं आज भी तुमसे पहले दिन की तरह ही
प्यार करता हूँ। वो हसीन और खूबसूरत लड़की आज भी मेरे साथ है। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत तुम हो। लेकिन ये गलत है क्योंकि तुम कभी मेरे पीछे रही नहीं, हमेशा मेरे साथ थी। मेरे मुश्किल दिनों में, परेशानियों में, हमेशा मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, कुछ नहीं कर पाता। वाओ, जलाल ये क्या है? ये वो तोहफा है जो मैं कल तुम्हें देने वाला था, नहीं दे पाया। लेकिन ये तो बहुत महंगा तोहफा है, हम इतने अमीर नहीं हैं। मेरा मतलब इतना खर्चा क्यों किया? ये तो बहुत महंगी होगी जलाल। प्लीज परिहान, तुम ये क्यों समझते हो कि हम अमीर नहीं हैं? तुम हो मेरे साथ, हमारे प्यारे बच्चे हैं, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? और अहम बात यह है कि हम में मोहब्बत है, तो फिर इस दुनिया में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। चलो बैठ लो इसे। मेरे प्यारे शमर, सुल्तान सुलेमान, मैं आपके हरम की कनीज हूँ। आयशा साहब को कोई मसला है, ये बात तो वाज़े है। आप मुझे वो मसला बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तुम खुद को आगे तो बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। कैसे नहीं जानता तुम्हें? तुम यास्मीन हो। आयशा मेरी बेटी है। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।